न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने कहा कि चार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों सहित छह इकाइयां अडानी समूह के शेयर में संदिग्ध सौदे के लिए जांच के घेरे में हैं। समिति ने 178 पृष्ठ की अपनी रिपोर्ट में कहा कि 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट से पहले अडानी समूह के शेयरों में शॉर्ट पोजीशन बनाई गई और भाव गिरने पर इन सौदे में पर्याप्त मुनाफा दर्ज किया गया। समिति ने कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी समूह पर शेयरों के भाव में हेराफेरी करने और धन शोधन के आरोप लगाए जाने के बाद इन शेयरों के भावों में भारी गिरावट आने पर इन शेयर सौदे में मुनाफा कमाया गया। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अडानी समूह के खिलाफ आरोपों की पहले से ही जांच कर रहा था। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद शीर्ष अदालत ने विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की। इस समिति के प्रमुख उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एएम सप्रे बनाए गए थे, जबकि ओपी भट्ट केवी कांत नंदन नीलेकड़ी और सोम शेखर सुंदरेशनन इसके सदस्य थे। हिंडनबर्ग के आरोप सामने आने के बाद अडानी समूह के शेयर में भारी गिरावट आई थी। हालांकि अडानी समूह ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि नकदी खंड में अडानी के शेयर के संबंध में कोई प्रतिकूल बात नहीं पाई गई है, लेकिन छह इकाइयों की ओर से संदिग्ध सौदे हुए, इनमें से चार FPI, एक कॉर्पोरेट इकाई और एक व्यक्ति है। रिपोर्ट में छह में से किसी का नाम नहीं बताया गया। इस संबंध में विस्तृत जांच की जा रही है। समिति ने कहा इस संबंध में तथ्यात्मक निष्कर्ष अभी बेहद शुरुआती स्तर के हैं और फिलहाल वह साक्ष्य की गुणवत्ता के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं कर रही। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।